तो आज स्पेयरवर्स के बादशाह अमाटो या फिर बॉब के फादर अमाटो के ओरिजिन का कहानी मेगा अमाटो मूवी के बारे में कुछ ऐसे ही डिटेल्स को जानेंगे। तो वाला शुरू करते हैं ब्रिंग्स उसके लेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में भाई अमाटो के अपने गुरु टॉक्स से ट्रेनिंग लेने का सीन भाई पूरा ही 2019 में रिलीज हुए बोबाय मूवी टू के मींस अमाटो के बेटे के ही मींस बोबाय के ट्रेनिंग लेने के सीन्स का रेफरेंस, इससे भाई ओनली बोबाय के फैंस भी अट्रैक्ट हो जाए बोबाय के पापा के ओरिजिन को देखने के लिए। उसके बाद नंबर 2 क्रैकुस के एक रोबोट के अमाटो के और मेकाबोट के ऊपर हमला करने के बाद उन लोग के एक साथ भागने वाला सीन भी भाई अमाटो के बेटे का ही बोबाय वाला सीन का मींस इस सीन का भाई रेफरेंस है, जब बोबाय प्रॉप के पीछे भागता है कोको छीनने के लिए। इतने रेफरेंस देने का भाई एक रीजन है बोबाय के फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए। नंबर 3 मेकाबोट का मेमोरी सिस्टम जब भाई एक्टिव होता है तब भाई एक नीला लाइट तैयार होता है, जो जब अमाटो मैकेनाइजिंग पावर के सबसे अल्टीमेट एनर्जी में पहुंच जाएगा तब मैकेनाइज्ड अमाटो भी मेकाबोट के साथ काफी ब्लूनिश हो जाएगा। नंबर 4 द एनिमे रेफरेंस, जब भाई अमाटो स्कूल जा रहा होता है तब भाई दोनों अमाटो के दोस्त काफी परेशान करता है अमाटो को, और वो दोनों दोस्त भाई हम लोग के चाइल्डहुड के सबसे पसंदीदा एनिमे डोरेमोन के जेन और सुनियो का रेफरेंस है। जैसे वो लोग नोबिता को डिस्टर्ब करते थे वैसे भाई ये लोग अमाटो को डिस्टर्ब किए थे। तो अगर तुम भी वही डाउनलोड करना चाहते हो मेक अमाटो मूवी को, अगर तुम देखे भी नहीं हो तो वही क्लिक करो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक के ऊपर और देखो डाउनलोड करो जो करना है कर लो। तो उसके बाद वही डिटेल नंबर 5 एक सीन में पियान अपने फादर के बनाए हुए मींस अपने साइंटिस्ट फादर मींस मिस्टर अमन के बनाए हुए स्पेसशिप्स दिखा रहा था मारा को। नोटिस करोगे तो भाई ये हर स्पेसशिप्स भाई बोबाय मूवी के बाद की कहानी बोबाय गैलेक्सी सीजन 2 में भाई टॉप ऑफ्स में इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि भाई अमाटो और पियान नहीं मिलकर बनाए थे टॉप ऑफ्स को 1993 पे, जो भी इससे बातें भाई बाद में करेंगे। तो वाला होगा नंबर 6 एक सीन पर भाई अमाटो के सामने पियान का फादर मिस्टर अमन और मिस्टर अंडी और अमाटो का गुरु टॉक्स था, इन तीनों के एक साथ रहने का ये रेफरेंस है कि भाई ये तीनों ही मार्क्स माना है, मींस ये तीनों लोगों ने इन पास्ट मार्क्स माना बने थे। तो उसके बाद वह नंबर 7 यहाँ पे मिस्टर अमन के कमर टूटने के बाद भी मार्क्स माना बन के पियान को बचाने का सीन रेफरेंस है बोबाय मूवी में बचाने वाले इस सीन का, जहाँ पे वही गोपाल ने बोबाय को रिक्स लेके बचाया था। पहली बार देख रहे हो वही बेटे का रेफरेंस बाप पे या फिर बाप के कहानी पे। तो वाला उसके बाद नंबर 8 इस सीन को देखने के बाद भी काफी लोगों ने इग्नोर किया है बिकॉज डायलॉग मैं हूँ ना मैं भी तुम लोगों को बताऊंगा, इसलिए मेकाबोट जब भाई अपने मेमोरी से 15 साल पहले के एक कहानी को याद करते हैं तब भाई जो एलियन मेकाबोट के साथ मैकेनिक होता है वो भाई कोई और नहीं मेकाबोट का पहला ओनर था, जो कि भाई ग्राहक उसके हाथ से ही मारा गया था, पर मरने से पहले वही कैसे भी करके मेकाबोट को बचा दिया था फिर दूर भाई फेंक दिया था, और इसका ही बेटा वही अभी काम कर रहा है टॉप हाउस में एक साइंटिस्ट का। नंबर 9 ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई जब बिहाइंड द सीन में 3 साल के बोबाय को ऑटोबॉट ऑर्डर करते हुए देखने को मिलता है तब भाई मेकाबोट के साथ भाई बोबाय काफी खेल रहा था अनजाने में, और ये खेलने वाला सीन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है जब भाई BXM मूवी में बोबाय अमाटो के साथ मुलाकात करने के बाद मेकाबोट के साथ मैकेनिक करके बनेगा मेकाबॉय। नंबर 10 द बोनस, जब भाई मूवी के सीक्रेट एंडिंग पे मिस्टर अमन और अंडी और टॉक्सा एक साथ होता है और उसके सामने अमाटो का फादर भी होता है तब भाई कन्फर्म होता है कि भाई इन पास्ट दादूलाल ने भी इन तीनों के जैसे मार्क्स माना के सूट को पहना था और यूज किया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।